नमस्कार दोस्तों, सोनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये ओरसन कंपनी का एक रेडियो आया है। इसमें दिक्कत आ रहा है, ये इसमें रेडियो जो बैटरी है, ये तीन बैटरी इधर लगाया जाता है। ये तीन बैटरी लगाने के बाद ये जो रेडियो है इसमें से क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बताते हैं। इसमें मतलब साउंड वगैरह नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर जो है जला हुआ रहता है और इसका साउंड वगैरह कुछ नहीं है। तो इसको हम खोल के देखते हैं, इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए, देखते रहिए और इसके बारे में हम आपको डिटेल में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसमें हम बैटरी लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो बैटरी हमने तीन बैटरी हमने लिया है, ये बैटरी हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से बैटरी लगा जाता है। ये हमने बैटरी तीनों इधर डाल दिया, तो अभी देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। इसका पीछे का ढक्कन भी घूम गया है, पता नहीं कहाँ पे गया है। कस्टमर बोल रहा है इसकी ढक्कन नहीं है। तो ये यहाँ पे इंडिकेटर देखिए, अभी बंद है, मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए इंडिकेटर ब्लिंक करता है, लेकिन इसमें ऑडियो नहीं है, कुछ भी ऑडियो नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, आईसी भी ख़राब हो सकता है, स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। तो हम खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं। ये इसको खोलने के लिए यहाँ पे स्क्रू होता है, मैं तो इसका स्क्रू जो है खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में है, इसका सप्लाई जो है सही हो रहा है, लेकिन पहले इसका बैटरी का जो है कुछ सोल्यूशन कर लेते हैं। बैटरी में हम यहाँ पे थोड़ा सा टेप लगा करके इसको चिपका देते हैं, नहीं तो ये बार बार खुलते रहेगा, काम करने में दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा टेप लगा करके इसको थोड़ा इसे चिपका दिया। अभी जो है गिरने नहीं गिरेगा, ये हमने चिपका दिया। अभी देखते हैं बैटरी हमारा बैठा हुआ है, तो इसको ऑन करते हैं। फिर से बैटरी जो है गिर गया है, देखिए ये टेप से भी नहीं रुक रहा है। इसका जो स्प्रिंग है बहुत हार्ड है, इसलिए बैटरी को बार बार धकेल। अभी देखते हैं, देखिए ये ऑन ऑफ होता है। अभी हम इसमें पहले इसका जो है स्पीकर हम चेक करेंगे, क्योंकि पहले स्पीकर हमारा देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी स्पीकर को भी खराब हो जाता है। मीटर को कंटिन्यूटी पे रखते हैं और स्पीकर का वायर जो है एक कनेक्शन हम खोल देते हैं। खोल दिया, अभी हम देखते हैं स्पीकर सही है या खराब है। देखिए स्पीकर में कोई हरकत नहीं है, और स्पीकर हम देखते हैं इसको रिपेयर कर सकते हैं या हमको बदलना पड़ सकता है। देखिए इसका स्पीकर जो है कंडीशन इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हम देखेंगे इसका ओरिजिनल स्पीकर है इसको रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे धूल मिट्टी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। स्पीकर तो ऐसे पर्दा इसका क्लियर है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कॉइल वगैरह सही है या खराब है। इसका जो कनेक्शन है, इस स्पीकर का जो कॉइल है हम इसको चेक कर लेते हैं। कोई स्पीकर का कोयल अगर सही रहेगा तो हम इसका वायरिंग चेंज कर लेंगे। कोयल चेक कर लेते हैं, इसका कोयल सही है या खराब है। अगर कोयल सही नहीं है तो स्पीकर हमको बदलना पड़ेगा।
देखिए दोस्तों, इसका स्पीकर कॉइल भी ख़राब है। हम इसको देखते हैं, यहाँ पे अंदर में टूटा है क्या, इसको रिपेयर कर। दोस्तों देखिए, हमारे पास तो एक्स्ट्रा स्पीकर हमें नहीं मिल रहा था, तो इसका जो स्पीकर, ये जो स्पीकर है, इस स्पीकर का ये जो दोनों लूप होता है, एक इधर लगता है, इधर एक लगता है, इधर का जो लूप है, ये कनेक्शन इधर अंदर में जो है टूटा हुआ है। तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो है छोटा सा कनेक्शन इसका टूटा हुआ है, तो यहाँ पे हम सोल्डिंग करके इसका लूप निकाल लेंगे और देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको मीटर से मेजर करके दिखाते हैं, यहाँ पे कॉइल हमारा जो है कनेक्टिविटी बता रहा है, देखते रहिए। ये हमने जो है एक पकड़ लिया इधर से, और इधर हम देखते हैं, देखिए हमें कनेक्टिविटी जो मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका स्पीकर हम लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करना जो थोड़ा सा ये हो जाएगा, मेहनत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम देखते हैं। तो देखिए हमने किस तरह से जोड़ रहा हूँ कनेक्शन। यहाँ पे हमने इस वायर को जो है थोड़ा सा तरह से हमने बेंड कर लिया, तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए हमने इसमें सोल्डरिंग कर दिया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा करके इसका कनेक्शन चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे तब जाके ये अच्छे से वर्क करेगा। अगर ग्लू नहीं देंगे तो स्पीकर वाइब्रेशन से इसका कनेक्शन टूट सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस निकल को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये कॉपर का है, कॉपर का वायर हमने ले लिया है, इसमें निकल होता है, जब तक हम इसका निकल नहीं हटाएंगे तब तक इसमें सोल्डिंग नहीं होगा। स्पीकर का कनेक्शन हम इस तरह से हमें इस वायर को काटना पड़ेगा। ये देखिए, अभी इसका जो आगे का क्रिया है इसको थोड़ा छिलना पड़ेगा, निकल हटाना पड़ेगा। अभी इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं, हमने कर दिया है, देखते हैं इसका कनेक्शन। देखिए 4.9 ओम बता रहा है, तो इस तरह का कनेक्शन भी हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, सही है या खराब है।
इस तरह से हमने दोनों वायर को जोड़ दिया। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लो दे देंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लो दे देंगे और इसका कैप भी लगा देंगे। तो अभी इसका कॉइल टेस्ट करते हैं। देखिए 5.2 ओम्स बता रहा है, ठीक है, स्पीकर हमारा सही हो गया। इसमें हम थोड़ा सा, हमारे पास ग्लो स्टिक है, ग्लो स्टिक से हम थोड़ा सा इसमें ग्लो दे देते हैं ताकि वाइब्रेशन से जो है हमने कनेक्शन किया ये टूट ना जाए। इसमें हमने ग्लो दे दिया है। अभी ये जो कैप है उसको भी इधर लगा देते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ग्लो दे देंगे क्योंकि इस तरह से हम थोड़ा सा ग्लो दे देंगे, कोई बात नहीं चलेगा। अभी इसमें हम रेडियो में लगा के देखते हैं ये स्पीकर लगाने के बाद रेडियो हरकत क्या करता है। इसमें थोड़ा धूल मिट्टी है, साफ कर लेते हैं। ये जो स्पीकर, दोनों स्पीकर कनेक्शन है, इसको हम इधर लगा के टेस्ट करते हैं। लगा दिया और एक इधर एक कनेक्शन है। देखिए दोनों कनेक्शन हमारा हो चुका है। इसमें ये जो लॉक लगा हुआ है, नहीं तो ये स्पीकर हमारा गिर जाएगा। इस तरह इसको भी लगा लेते हैं क्योंकि स्पीकर हमारा, स्पीकर का जो काम था वो हमने कर दिया। अभी जो भी काम होगा बोर्ड में होगा, अगर बोर्ड में कोई ख़राबी है तो उसको हम रिपेयरिंग करेंगे और स्पीकर लगाने के बाद अगर सही हो गया तो ये रेडियो हमारा बन गया। स्पीकर फिटिंग हो गया तो हम थोड़ा सा चेक करते हैं। बैटरी फिर से खुल गया है दोस्तों, ये देखिए बैटरी निकल चुका है। बैटरी को हम लगाते हैं, इसको कोई जुगाड़ लगाना होगा क्योंकि कस्टमर ने बोला था इसका ढक्कन नहीं है तो इसका थोड़ा जुगाड़ बना देना। देखिए रेडियो बन चुका है, इसमें हम मीडियम लगाते हैं। इसका बैंड स्विच में थोड़ा तेल देना होगा क्योंकि बैंड स्विच इसमें बहुत दिन से चलाया नहीं है तो बैंड स्विच में जो है कार्बन हो गया है और इसका एफएम का एंटीना भी टूटा हुआ है। मतलब एंटीना का जो एफएम एंटीना का जो कनेक्शन है ये भी टूटा हुआ है। देखिए ये, और ये कहाँ लगेगा और आपको बताते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। ये हमने तेल दे दिया, इसको थोड़ा ऐसे हिला देंगे।
इसका जो FM एंटीना है दोस्तों, उसको भी हमें सोल्डरिंग करना है। अगर FM एंटीना दोस्तों यहाँ पे लगता है, ये दोनों पिन है, यहाँ पे देखिए पत्ती लगा हुआ है, ये पत्ती जा करके इसमें टच होता है तब जाके इसमें कनेक्शन होता है। तो इसमें किसी ने जो है वायर लगाया था, इस तरह से बांधा था, हम भी इसमें इस काम करते हैं, इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं, अच्छा हो जाएगा, मिस नहीं करेगा। सोल्डरिंग करने से जो है एंटेना जो है इसमें मिसिंग हो सकता है। यहाँ पे इसका कनेक्शन होता है, देखिए यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दिया है, ये FM का एंटेना है, फिर से टूट गया। ये अभी FM एंटेना भी लग चुका है और बेंड फ्यूज में हमने तेल भी दे दिया। अभी इसका बैटरी लगाते हैं, फिर से इसको चेक करते हैं। कोई कोई दोस्त मुझे कमेंट करते हैं, एक भी सेंटर नहीं बताया, कुछ बजा कि नहीं बजा। देखिए इधर ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा किस तरह से आवाज़ आ रही है। इसमें हम FM पकड़ने की कोशिश करते हैं, मीडियम शॉट का सिग्नल आ रहा है, ये हमारा CV का सिग्नल है। अरे ये होता है FM, देखिए हमने ये तो बैंड फ्यूज है, एकदम इधर लगा रहेगा तो CV1 दो नंबर पे हमारा FM1, ठीक है, FM पे हमने दे दिया, लेकिन ये FM पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारा शॉप है ना, शॉप में जो है रेडियो सेंटर नहीं आता है, क्योंकि नहीं आता है। हमारे पास एक चीज़ लगा हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे शॉप पे जो है केबल टीवी का ट्रांसमीटर लगा हुआ है और केबल टीवी का कनेक्शन है, इसके वजह से हमारा रेडियो में जो है सेंटर नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट कर, रेडियो में कुछ नहीं आता है, रेडियो में इधर नहीं आएगा, बाहर जा कर के हम सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी ये रेडियो जो है ऑन हो चुका है, या तो कुछ नहीं आएगा था। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम था हमारा स्पीकर ख़राब था, स्पीकर हमने रिपेयरिंग किया और बैंड स्विच में थोड़ा सा कार्बन जैसा कुछ था, इसको हमने सेल दे दिया। थोड़ा सा इस तरह से हम थोड़ा सा इसको जो है इस तरह से हिलाएंगे, कई बार ऐसे करेंगे तो इसका कार्बन जो है हट जाएगा, तब हमारा सेंटर वगैरह सारा कुछ अच्छे से बजेगा। और तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।